हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय फूड एंड किचन। तो चलिए प्रोसेस में चलते हैं। आज मैं हलवाई वाली बेसन के लड्डू बनाने वाली हूँ। बेसन के लड्डू किसे नहीं पसंद है। ये लड्डू त्योहारों में बनाए जाते हैं और बेसन के लड्डू बनाने के लिए ज़्यादा सामान की भी आवश्यकता नहीं होती है। तो चलिए बेसन के लड्डू बनाते हैं। इसे बनाने के लिए 1/2 कप घी, 1.5 कप शुगर चाहिए, 1 टेबल स्पून इलायची पाउडर, ड्राई फ्रूट यहाँ पर काजू और बादाम कट किया हुआ है, और 2 कप बेसन। तो चलिए बेसन के लड्डू बनाने के लिए मैंने कढ़ाई को गैस पे रखा है और यहाँ पर 7 से 8 चम्मच घी डाला है और थोड़ा सा बाद में रख देंगे, बाद में ऐड करेंगे। और यहाँ पर बेसन को थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे, इसमें एक साथ में ज़्यादा नहीं डालेंगे, और डायरेक्ट डालने से बेसन में गुठलियाँ आ जाएंगी। तो चलिए इसे हम लोग फ्राई कर लेते हैं, गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। और आग को मीडियम पर रखेंगे और लगातार स्पून से चलाते हुए इसे भून लेंगे। और यहाँ पर एक टिप्स देना चाहूँगी, बेसन जग का लड्डू जब भी आप बनाइए तो बेसन दरदरा पिसा हुआ लीजिए आप। इससे हमारे लड्डू के टेस्ट बढ़ जाते हैं। और इसे हमें गोल्डन ब्राउन होने तक भूनना है और लगातार चलाते हुए भून लेंगे इसे। इसे भूनने के लिए लगभग हमें 20 से 25 मिनट के टाइम लग जाएंगे। तो चलिए भून लेते हैं। इसे भूनने के लिए हमें बहुत ही पेशेंस रखना पड़ता है, बेसन बर्न हो सकता है। जब हम बेसन को भूनते हैं तो इसमें से अरोमा आने लगता है। यहाँ पर मैंने बेसन को 20 मिनट तक भून लिया है। अब इसमें थोड़ा सा घी यहाँ पर और डालेंगे। आप सोच रहे होंगे इतना घी क्यों डाल रही हूँ, बट बिलीव मी, इससे हमारे लड्डू हलवाई जैसे बिल्कुल बनेंगे, बहुत ही टेस्टी बनेंगे। अब यहाँ पर घी को अच्छे से मिलाएंगे और 10 मिनट तक इसे अच्छे से भून लेंगे। यहाँ पर बेसन हम जब तक भूनेंगे जब तक कि बेसन में से घी निकलने ना लगे, छोड़ने ना लगे, तब तक इसे हम लोग चलाते हुए, लगातार चलाते हुए भूनेंगे। यहाँ पर बेसन से बहुत अच्छी सी खुशबू आ रही है, घी और बेसन को मिलाकर मिक्स हो गया है, तो बहुत ही अच्छा सा इसका खुशबू आ रहा, फ्लेवर भी बहुत अच्छा लगेगा। तो जब तक इसे हम लोग भूनेंगे जब तक कि घी बाहर निकलने ना लगे। तो यहाँ पर देखिए घी बाहर निकलने लगा है, और थोड़ा सा और वेट करते हैं हम लोग, थोड़ा सा इसे और भुनेंगे जिससे कि कलर थोड़ा सा गोल्डन हो जाएगा। तो थोड़ा सा और वेट कर लेते हैं। यहाँ पर मिश्रण देखिए बिल्कुल मेल्ट हो चुका है, और इसे थोड़ा सा और वेट कर लेते हैं, गोल्डन ब्राउन होने तक वेट करते हैं। इसका कलर बिल्कुल भी चेंज हो जाएगा और इसमें से बहुत ही अच्छी सी खुशबू आने लगेगी। आपको खुद पता चल जाएगा कि हाँ लड्डू का खुशबू आ रहा है। इसे भी आपको पता चल जाएगा कि हाँ फ्राई हो चुका है। तो चलिए थोड़ा सा और हम लोग इसे भून लेते हैं। और यहाँ पर देखिए कितना अच्छा सा कलर आ चुका है। और इसे हम कंटिन्यू लगातार चलाते हुए भूनेंगे बेसन को। और इस मिश्रण में थोड़ा सा और वेट कर लेते हैं। थोड़ा वेट करने के बाद इसमें हम लोग पानी ऐड करेंगे। इससे क्या होगा कि मिश्रण का टेक्स्चर जो होता है वो बहुत ही दरदरा सा आ जाएगा। तो थोड़ा सा और वेट करते हैं। और यहाँ पर देखिए कलर बिल्कुल चेंज हो चुका है, आपको देखने से भी पता चल रहा होगा कि लड्डू के कलर का बिल्कुल हो चुका है। तो इस स्टेज पर फ्रेंड यहाँ पर हम लोग पानी 3 से 4 चम्मच ऐड करेंगे, जिससे कि इसका टेक्स्चर जो है बहुत ही अच्छा सा दरदरा सा आ जाएगा और इसमें झाग सा बन जाएगा। तो देखिए झाग सा बनना शुरू हो गया है। अब इसे हम लोग मिक्स कर लेते हैं। अच्छा, इसका स्वाद बहुत ही अच्छा आता है। इस तरह से आप बिल्कुल हलवाई वाला टेस्ट ला सकते हैं। तो इस तरह से कोशिश आप भी ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपने कैसा बनाया है लड्डू को। हमारे लड्डू तो बहुत ही अच्छे से बन रहे हैं, तैयार हो रहे हैं। तो फ्रेंड आप भी आ जाइए खाने के लिए, इनवाइट है आपका। तो यहाँ पर देखिए बिल्कुल एकदम दरदरा सा हो चुका है। को बेसन अगर दरदरा नहीं है फिर भी यहाँ पर आप पानी इस स्टेज पे डालेंगे तो आपके लड्डू दरदरा सा हो जाएंगे। तो यहाँ पर हम लोग ड्राई फ्रूट जो कट किए थे, काजू और बादाम, वहाँ पर ये ऐड कर लेंगे और मिश्रण को अच्छे से मिक्स कर लेंगे अच्छे से। और उसके बाद इसमें हम लोग अलग प्लेट में निकाल देंगे इसे ठंडा होने के लिए। तो अब यहाँ पर हम गैस का फ्लेम ऑफ करेंगे और इसे अलग प्लेट में निकाल लेंगे ताकि अच्छे से ठंडा हो जाए। रूम टेम्परेचर पे बिल्कुल होना चाहिए, इससे लड्डू बहुत ही अच्छे से बनेंगे, टाइट नहीं बनेंगे और बहुत ही सॉफ्ट बनेंगे। तो चलिए यहाँ पर हमने
निकाल दिया प्लेट में और इसे हम रख देते हैं 15 से 20 मिनट वेट करेंगे, इसे ठंडा होने के लिए टाइम लगेगा। तो यहाँ पर देखिए ठंडा हो चुका है और चलिए इसमें हम लोग इलायची पाउडर ऐड करते हैं। तो लास्ट में इलायची पाउडर ऐड कीजिएगा, इससे फ्लेवर इसका बहुत ही अच्छा आता है। तो यहाँ पर हम लोग शक्कर पिसा हुआ, यहाँ पर आप बूरा भी यूज कर सकते हैं, बूरा से बनाने से हलवाई जैसा बिल्कुल ही टेस्ट आता है। तो हमारे पास अभी बूरा नहीं था तो हमने शक्कर को पीस लिया था और उसे अपने टेस्ट के अनुसार आप डालिएगा, अकॉर्डिंग डालिएगा, कम ज़्यादा जो भी पसंद हो। तो अभी से हम लोग अच्छे से हाथ से मिक्स कर लेंगे, मैश कर लेंगे, दोनों हाथ से इसे दबाते हुए मैश करेंगे। तो चलिए मैश कर लेते हैं, दोनों का मिश्रण बिल्कुल मैश हो जाना चाहिए, बिल्कुल शक्कर अलग अलग दिखना नहीं चाहिए, इस तरह का इसका मिश्रण तैयार होना चाहिए। तो चलिए इसे हम लोग मिक्स कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड मिक्स हो चुका है, अभी से हम लोग गोल गोल लड्डू बनाएंगे और बहुत ही आराम से बन जा रहा है, थोड़ा भी दिक्कत नहीं आ रही है। और इसे देखिए कितनी शाइनिंग भी आ रही है, बहुत ही अच्छा सा लड्डू, खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। तो यहाँ पर हम लोग गार्निश करने के लिए आप पिस्ता भी यूज कर सकते हैं, काजू बादाम, आपको जो भी ड्राई फ्रूट हो यहाँ पर यूज कर सकते हैं। यहाँ पर आप नारियल के बुरादे भी यूज कर सकते हैं, इसके ऊपर से कोटिंग कर सकते हैं। तो इस तरह से हम बना रहे हैं। तो फ्रेंड कमेंट करके ज़रूर बताइएगा लड्डू कैसे लगे। इसी तरह से हम सारे लड्डू एक एक करके बना लेंगे और इसे बनाने के बाद इसे हम रूम टेम्परेचर पर 4 से 5 घंटे के लिए ऐसे ही रखेंगे फ्रिज में, इसे तुरंत फ्रिज में नहीं रखेंगे, 4-5 घंटे के बाद इसे हम फ्रिज में रखेंगे। और फ्रिज में आप 2 से 3 सप्ताह के लिए स्टोर करके रख सकते हैं और बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। तो फ्रेंड कमेंट करके ज़रूर बताइएगा लड्डू की रेसिपी कैसी लगी। एक कर तो लग रहा होगा कि एक लड्डू उठाएं और खा लें, खाएं तो भी पछताएं, नहीं खाएं तो भी पछताएं। तो चलिए फ्रेंड कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि लड्डू की रेसिपी कैसी लगी। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।